नमस्ते, स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं जडेजा और मनीष पांडे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल हमारे पास आए हैं, तो उनको जवाब देते हुए हम यही बताना चाहते हैं कि फिटनेस जो है अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए दोनों ही खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा की तो कमी कितनी महसूस हो रही है क्या बताऊं आपको, खासतौर पर चेपॉक टेस्ट में जहां पर गेंद की ट्रैजेक्टरी थोड़ा फ्लैट होती है, जहां पर गेंद थोड़ा तेज फेंकना चाहिए था, वहां पर रविंद्र जडेजा होते तो गजब करती इंडिया। दूसरे टेस्ट मैच में तो वैसे ही हमने गजब किया, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी और कमाल देखने को मिलता, और इसीलिए जडेजा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मनीष पांडे को लेकर भी फिटनेस इश्यूज हैं, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्हें भी इंजरी हो गई थी और इस वजह से शायद वो एक ही मुकाबला खेले थे जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर आप जडेजा और मनीष पांडे के बारे में ये सवाल कर रहे हैं कि उनको टीम में जगह क्यों नहीं मिली, तो उसका सिर्फ एक जवाब है, और वो जवाब है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। इसके अलावा क्योंकि बायो बबल वाला ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट अभी चल ही रहे हैं, सिलेक्शन उस लिहाज से हो रहे हैं, तो इसलिए 19 लोगों को चुना गया है, वरना 14 से 15 लोगों को ही चुना जाता है, खासतौर पर जब घर पर सीरीज हो रही हो तब तो इससे भी कम लोगों का कई बार सिलेक्शन हमने देखा है, लेकिन आमतौर पर आप 14-15 ही रखते हैं, 19 तक नहीं जाते हैं। लेकिन क्योंकि बायो बबल सिनेरियो है और इसलिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो इसीलिए इतने खिलाड़ियों का चुनाव हुआ है, लेकिन जडेजा और पांडे की फिटनेस को लेकर कंसर्न थे इसलिए उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया है।